हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अभी टैब मिले हैं, अगर आप 9th से 10th में हुए हैं या फिर आप 8th से 9th में हुए हैं, आपको भी अभी नए नए गवर्नमेंट टैब मिले हैं, तो आप उनके अंदर यूट्यूब और इंस्टाग्राम को कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर पुराने टैब मिल रहे हैं, जो कि 12th वाले स्टूडेंट यहाँ पर स्कूल से हटे हैं, उन लोगों के टैब दोस्तों यहाँ पर 10th या 9th वाले स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपका 12th क्लास वाला जो भी जिस भी बच्चे के पास वो टैब था, कहीं उसने साइड की तो यहाँ पर नहीं लगा रखी। तो आपको दो बार टैप करके देख लेना है, अगर साइड की लगा रखी है तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, जिससे कि आप यूट्यूब वगैरह आसानी से यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। तो अगर उसने यहाँ पर साइड की लगा रखी है तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर YouTube कैसे चलाना है अगर उसने साइड की लगा रखी है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर उसने साइड की भी नहीं लगाई है और आपको बिल्कुल नया टैब मिला है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आई वाले बटन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग पर चले जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्प्ले का। अब जब डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस नहीं आएगा, आपको यहाँ पर कनोक्स ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, कनोक्स ऐप अलाउ परमिशन, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसको आपको इनेबल नहीं करना है, आपको यहाँ पर कनोक्स ऐप पर दो बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी आपके सामने ऐप इन्फो ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप यूट्यूब वगैरह वहाँ से भी आसानी से चला सकते हैं। अब वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, वेट करो सभी चीज़ों का। मैं आपको दो चीज़ बता दी हैं, एक तो पहले तो साइड की, अगर आपके टैब में साइड की लगी हुई है तो, और दूसरा डिस्प्ले। डिस्प्ले का दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जो पुराने टैब हैं उनके अंदर आपको यही मिलेगा, ये वाला इंटरफेस, क्योंकि उन बच्चों नहीं वो वाली चीज़ यहाँ पर करके देख रखी होगी इसलिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नया टैब मिला है तो आपको यहाँ पर वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, कनोक्स टैब वाला, जिससे कि आप यूट्यूब वगैरह आसानी से चला सकते हैं। एंड ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई बहुत सारे लोग कह देते हैं कि फेक है, आप मेरी पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जब हमें शुरू में ये टैब मिले थे तब हम वहाँ से दोस्तों यूट्यूब वगैरह आसानी से चला पा रहे थे। तो आप भी ये चीज़ चेक कर लेना। एंड फिर आपको चले जाना है यहाँ पर वाईफाई के अंदर। वाईफाई के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ये वाला स्कैनर का, स्कैनर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको गैलरी पर क्लिक कर देना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अगर आपको गैलरी ही चलानी है तो आप यहाँ से गैलरी को चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर यूट्यूब चलाना है यहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे चलाना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको स्कैनर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको रेडमी बल्कि कोई भी आपको वाईफाई कनेक्शन का स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लेना है दोस्तों। वाईफाई का जो स्कैनर होता है उसका यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसके बाद मैं सिंपली से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अगर ये स्कैन होने लग जाता है तो आपका ये नहीं चलेगा। तो बहुत सारे टैबों में क्या होता है कि जब भी हम फोटो को सिलेक्ट करते हैं तो वो फोटो स्कैन होने लग जाती है एंड वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, उससे दोस्तों आपका कैमरे का ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए अगर आपके टैब में ऐसा इंटरफेस आ रहा है जैसे कि आप ऐसे क्लिक कर रहे हैं और आपका यहाँ पर कनेक्ट टू नेटवर्क का ऑप्शन आ जाता है, मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं स्कैनर पर गया एंड यहाँ से गैलरी पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं स्कैनर को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने स्कैनर को सेलेक्ट कर लिया एंड डन पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास कनेक्ट टू नेटवर्क ऑप्शन आ जाता है। तो मैं जब अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मेरे यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर मैंने क्लिक करना है एंड एडवांस पर क्लिक करना है। अब वाईफाई कंट्रोल हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 16:47 पर, और आप देख सकते हैं अभी का टाइम भी यही हुआ है, अब मेरा कैमरा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो ये तभी होगा अगर आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर या तो ये स्कैनर ओपन हो रहा है, कईयों के टैब में ये स्कैनर ओपन नहीं होता, वहाँ पर कुल नोट स्कैन या पर ऐसा कुछ दिखा देता है, और कईयों के टैब में फोटो स्कैन होने लग जाती है। तो ये दोनों ऑप्शनों में आपका गवर्नमेंट टैब के अंदर यूट्यूब नहीं चला पाओगे एंड अगर आपके में ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू नेटवर्क का तो आपका कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको 3-4 ऑप्शन बता दिए हैं जिससे कि आप चला सकते हैं, तो चलिए आपको एक और बता देता हूँ मैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओपन सोर्स लाइसेंस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जूम कर लेना थोड़ा एंड यहाँ पर इस पर प्रेस करके रखना आपको। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मेरे वाले टैब में, कॉपी सिलेक्ट ऑल एंड वेब सर्च। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आपके गवर्नमेंट टैब में आप चेक कर लेना, अगर आपका ऐसे क्लिक करने के बाद कहीं पर भी, और यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन मिल रहा है एक आउटलुक का, अगर आपका आउटलुक ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप जो भी सर्च करना चाहें वो आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब गूगल वगैरह जो भी आप चलाना चाहें वहाँ से आप चला सकते हैं। तो ये तो आपका सिंपल ही तरीका हो गया, अगर आपका यहाँ से जो
उसका ऑप्शन आ जाता है वो आउटलुक का, तो आप वहाँ से इसको चला पाएंगे। तो अभी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि अगर आपका कैमरे का ऑप्शन आ जाता है तो आप उसको कैसे चला सकते हैं, या फिर अगर आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर साइड की लगी हुई है तो आप उसको कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ, एडवांस पर क्लिक करता हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि कैमरे का ऑप्शन आपको कैसे लाना है, और जिन टैबों में नहीं आ रहा उनमें आप आउटलुक वगैरह से ट्राई कर लेना, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप उसको कैसे चला सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, दोबारा से फिर कैमरे पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको परमिशन पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक फाइल सेंड मीडिया का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सी ऑल ऑफ विदेश परमिशन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। तो सिस्टम यूआई पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको सी ऑल ऑफ सिस्टम यूआई परमिशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको पहले अलाउ पर क्लिक कर देना है, फिर डोंट अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपको डोंट अलाउ एनीवेयर पर क्लिक कर देना है, एंड थ्री फिंगर के साथ आपको ऐसे करना है जिससे कि आपका नेविगेशन बार है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस पर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेस करके रखना होगा, इस पर आपको प्रेस करके रखना है, फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको ऐप्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड ऐड ऐप्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको YouTube वगैरह चलाना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली से गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको परमिशन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको आई के बटन दिख रहे होंगे, इनमें से आप कोई से भी बटन पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको गूगल प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 9 डॉट दिख रही होंगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर गूगल ऐप ओपन हो जाएगा। अब इसको ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको इस पर सर्च कर देना है क्रॉक्सी प्रॉक्सी। अब इस वेबसाइट के अंदर से आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जो कुछ भी आप चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं बिना इस वेबसाइट के या फिर अदर कोई प्रॉक्सी के। आप इसके अंदर यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, बिना इसके यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन एरर आपको दिखा देगा गवर्नमेंट टैब के अंदर। तो आप जब भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाएं, आपको क्रॉक्सी प्रॉक्सी या फिर अदर कोई भी प्रॉक्सी को यूज करके ही अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को चलाना है। तो ये छोटी सी वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और इसका सेकंड पार्ट आने वाला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। I'm drifting in the whip, I got a baddie and she's trying to put my dick between her lips.